ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते और स्वागत आपका द ललन टॉप पर। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ चुका है। कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से परेशान लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ऐसा ही एक मामला उड़ीसा का है। यहाँ पर एक रिटायर्ड BSF सैनिक के पैर में गैंग्रीन का खतरा मंडरा रहा है। सैनिक के बेटे ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी है। उसने PM नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों को टैग किया है। विशाल नाम के एक शख्स ने कई ट्वीट कर अपने पिता के इलाज के लिए मदद मांगी। विशाल ने कहा कि उनका परिवार उड़ीसा के कोरापुट जिले में रहता है। उनके पिता का नाम P भास्कर राव है। वो BSF से रिटायर हैं। 1999 की कारगिल की जंग में भी वो शामिल थे। उनके दाएं पैर में खून की सप्लाई नहीं हो रही थी। 2 अक्टूबर 2019 को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनकी सेहत ठीक थी। कुछ महीनों तक ये सब सही चलता रहा, लेकिन मार्च 2020 में फिर से दर्द उठा। हम अस्पताल गए, दवा दी, लेकिन दर्द वैसा का वैसा ही रहा। मैंने उन्हें विशाखापट्टनम चलने को कहा। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन पूरा होने पर डॉक्टर को दिखा लेंगे, लेकिन 14 तारीख को लॉकडाउन फिर आगे बढ़ गया। विशाल ने लिखा कि पापा के दाएं पैर के अंगूठे में खून जमने लगा। हम एम्बुलेंस से विशाखापट्टनम गए। जाँच में पता चला कि खून सप्लाई करने वाली मुख्य नस पूरी तरह से बंद पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया कि खून की कमी है, इस वजह से अंगूठे में गैंग्रीन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अंगूठे को काटना पड़ सकता है। विशाल का कहना है कि उसके बाद वो लोग उसी दिन वापस घर गए। दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा, गैंग्रीन तेजी से फैलने लगा। दोबारा डॉक्टर से बात की तो उसने पिता को अस्पताल लाने को कहा, लेकिन स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि वे दूसरे राज्य या प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर नहीं कर सकते। इसके बाद हमने मजिस्ट्रेट ऑफिस से बात की। उन्होंने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर इस समय सख्त रोक है। उन्होंने लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करने को कहा, लेकिन अब लॉकडाउन 17 मई तक एक बार फिर बढ़ गया है। लेकिन पापा इतना इंतजार नहीं कर सकते, इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। विशाल ने ट्विटर पर PM मोदी, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही BSF और अमिताभ बच्चन से भी मदद मांगी। गृह मंत्रालय के साथ ही BSF ने भी मदद की। BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने भी विशाल के पिता के इलाज के लिए व्यवस्था की। कोरापुट के DM ऑफिस ने भी उनसे जानकारी मांगी। इसके अलावा एम्स भुवनेश्वर ने भी विशाल से संपर्क किया। विशाल ने द ललन टॉप को बताया कि स्थानीय प्रशासन ने उनसे संपर्क किया है। उन्हें 3 मई को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। एम्स भुवनेश्वर में उनके पिता का इलाज होगा। और भी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। द ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। ये खबर लिखी है हमारे साथी शक्ति ने और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।